हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गेमिंग फोन की, मीन्स अगर गेमिंग फोन अगर आपका बजट 8,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच में है और आपको गेमिंग फोन लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वीडियो पूरा देखिए। अच्छे अच्छे गेमिंग फोन बताऊंगा जो आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपका COD, फ्री फायर, पबजी और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और जितने भी गेम है आपके आराम पे हैंडल कर लेगा। कोई आपको HD गेमिंग करा देगा तो कोई आपको 60 FPS गेमिंग करा देगा, कोई 30 FPS करा देगा, और जो 10,000 से कम का है वो भी आपको नॉर्मल गेमिंग आराम से करा देगा। उसमें आप COD भी आराम से खेल लेंगे बिना किसी लैग के, 4 लोगों के साथ, 5 बंदों के साथ, जितने भी आप लोग बंदे हैं उनके साथ। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 10,000 रुपए के कम पे। तो 10,000 रुपए के अंदर एक ही अच्छा फोन है जिसमें अच्छा फीचर देखो है, Realme Narzo 30A। Realme Narzo 30A में 6.5 इंच की IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, 720 पिक्सल वाला 60Hz का। तो 60Hz का रिफ्रेश रेट वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। 8,500 रुपए का आपको Realme Narzo 30A आराम से मिल जाएगा। बात करते हैं कि प्रोसेसर की, जो आपको गेमिंग में पूरी हेल्प करेगा, आपको गेमिंग बूस्ट करेगा, वो है MediaTek का G85, मींस गेमिंग प्रोसेसर है G85। रैम रोम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी आपको रैम रोम की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप रैम रोम ले सकते हैं। वही कैमरा भी आपको सामने बता दे रहा हूँ कि 13+2 का आपको बैक में देखने को मिलता है और 8 MP का फ्रंट में देखने को मिलता है। 6000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी और 18W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा। जो अगला फोन है वो है Poco M2 Pro। Poco M2 Pro में आपको 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 60Hz की है। बात करते हैं पीक ब्राइटनेस की, तो 480 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो फुल HD प्लस है, ऊपर से 60Hz है, 13,000 रुपए में आपको मिल रही है। वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की, दूसरा आपको स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है, फिर से जी का मतलब हो गया पे गेमिंग। तो आपको गेम प्रोसेसर देखने को मिलता है 13,000 रुपए के बजट में। रैम आप अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 4GB 6GB आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट डिपेंड करता है उसके ऊपर। कैमरे की, जिसमें आपको 48+8+5+2 का बैक कैमरा देखने को मिलता है, 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है। और बात करेगा बैटरी की, तो इसमें आपको 520mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, प्लस 33W का फास्ट चार्जर। तो गेमिंग फोन के लिए एक फास्ट चार्जर चाहिए होता है, एक बड़ी बैटरी चाहिए होती 5MAh की है, 60Hz की, एक फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है, गेमिंग प्रोसेसर है। और क्या लोगे भाई 13,000 रुपए में? 13,000 रुपए में आराम से हमारी गेमिंग हो गई, COD, फ्री फायर, पबजी, BGM कोई सभी गेम खेलो, आराम से हैंडल करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खेलो। इसके ऊपर बजट बढ़ाएंगे तो Moto G40 ले सकते हैं जिसमें आपको 732G देखने को मिलेगा। वहीं आप Poco X3 के साथ भी जा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्लीन UI चाहिए, MIUI चाहिए, उसके साथ बग्स चाहिए। अगर आपको बग्स चाहिए और MIUI चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप Poco X3 के साथ जाइए। अगर आपको बग्स नहीं चाहिए, कस्टमाइजेशन भी नहीं चाहिए, नॉर्मल से काम चल जाएगा, आपको एकदम क्लीन UI चाहिए, जंक नहीं चाहिए, नागवेयर नहीं चाहिए, तो आप Moto G40 के साथ भी जा सकते हैं। सेम प्रोसेसर है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन है, पर आपको Moto में क्लीन UI मिलता है, टाइम टाइम अपडेट देखने को मिलता है, बग देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रीमियम चार्ज करेगा Moto। तो बात करते हैं Moto G40 के कुछ हाइलाइट्स की, तो Moto G40 में आपको 6.8 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 120Hz की है और 1080p डिस्प्ले। बात करते हैं प्रोसेसर की, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है, रैम आप पर डिपेंड करता है, फिर से आपसे कहूंगा। और बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 6000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, 20W का टर्बो चार्जर Moto की तरफ से आपको इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। वहीं बात करें कैमरे की, तो 64MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का डेप्थ देखने को मिलता है, 16MP की सेल्फी देखने को मिलती है, तो ये भी आपकी गेमिंग पूरी करा देगा। 732G देखने को मिलता है, 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 6000mAh की मैसिव बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलता है सिर्फ और सिर्फ 14 रुपीज में। आपको सेल में हो सकता है 400-500 का कार्ड लगा के डिस्काउंट भी मिल सकता है। जो अगला फोन है वो Poco X3 है। Poco X3 में आपको 120Hz की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा वहीं पे, जिसका रिजोल्यूशन है 1080p वाला। अगर बात करें साइज की, तो 6.67 इंच का आपको साइज देखने को मिलेगा। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो 732G में भी आपको देखने को मिलेगा, रैम आपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 6GB 8GB जितनी आपको चाहिए रैम और रोम। बैक में आपको 64+13+2+2 का मिलता है, वहीं पे फ्रंट आपको 60MP की सेल्फी देखने को मिलती है, 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, 33W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स है। तो और क्या लोगे दोस्तों, 120Hz की डिस्प्ले है, वही चीज मैंने आपसे कहा था Moto ले सकते हैं, Moto इतने कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं होंगे जितने Poco X3 मिलेंगे, क्योंकि Poco X3 में MIUI पड़ी होती सो कॉल्ड बग्स वाली। अब बात करते हैं लोग बजट अपना एक्सटेंड करते हैं, तो आप MI के साथ ही जाएंगे, वो है Redmi Note 10 Pro। Redmi Note 10 Pro आपको 16,000 रुपए मिलेगा सेम प्रोसेसर के साथ, आपको 732G 14,000 रुपए मिल रहा है, 15,000 रुपए मिल रहा है और 16,000 रुपए मिल रहा है। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ जाना है। जो Redmi Note 10 Pro है इसमें आपको सुपर एंड्रॉइड की वजह से थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा जा रहा है कि आपको बजट एक तरफ 14,000 रुपए में मिल रहा है, एक तरफ 16,000 रुपए खर्च करने पड़ रहा है, तो इसीलिए क्योंकि आपको सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले मिल रही है और MI का लेटेस्ट फोन है, तो आपको थोड़ा प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा MI नोट। तो MI नोट 10 Pro की अगर बात करें, तो 6.67 इंच की एक 120Hz वाली सुपर एंड्रॉइड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस है 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 732G देखने को मिलता है,
रैम अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं 664, 128, 8 GB जितना आपकी रिक्वायरमेंट आप अकॉर्डिंग जा सकते हैं। भाई बात करें कैमरे की तो उसमें 64+8+5+2 का बैक कैमरा है और 16 MP की सेल्फी देखने को मिलती है। बात करते अगर इसमें बैटरी की तो 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और 33W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। पोको X3 में आपको बता दूं स्टीरियो स्पीकर था और इसमें भी आपको एक स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। तो स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा अगर आप बिना ईयरफोन के भी गेमिंग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चलेगा बंदा लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा और आ भी रहा कि नहीं आ रहा। अब बात करते हैं बजट एक्सटेंड करते हैं, तो बजट एक्सटेंड करते समय लेटेस्ट फोन है IQ Z3 माना 20,000 का आता है, पर अगर फर्स्ट सीरीज को परचेस कर लेते हैं तो 17,500 का पड़ेगा। इसमें वो काफी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 6.59 इंच की एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आता है। 768G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, मींस एक तो गेमिंग प्रोसेसर है 768G और ऊपर से 5G भी है। तो अगर आपका लक रहा है इसमें जो दो बैंड है वो हो सकता है अगर इंडियन सपोर्ट करे तो आप इसमें 5G भी चला लेंगे। रैम आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं कैमरे की तो 64 MP का प्राइमरी है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 का डेप्थ है। 16 MP सेल्फी देखने को मिलती है और 4400mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 55W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। 768G देखने को मिल रहा है, 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिल रही, फास्ट चार्जर 55W का, बैटरी थोड़ी सी कम है, 5 MAh होनी चाहिए थी गेमिंग फोन रिकॉर्डिंग पर आपको 55W का चार्जर मिल रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आप आधे घंटे लगा देंगे तो ठीक ठाक कम हो जाएगा फोन का। अब बात करते हैं बीस्ट, जो आपको 20,000 में बीस्ट मिल रहा है, बीस्ट मीन्स बीस्ट आपको गेमिंग को एकदम बेस्ट लेवल कराएगा, आपको बेस्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देगा, बस थोड़े से आपको बग्स झेलने पड़ेंगे तो झेल लेना भाई, गेमिंग करनी 20,000 रुपए में तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बग्स को झेलना पड़ेगा। वो है पोको X3 प्रो लेटेस्ट लॉन्च। पोको X3 प्रो में आपको 6.61 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है जो कि फिर से 120 हर्ट्ज का है और जिसकी पीक ब्राइटनेस है 450 nits। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 860 देखने को मिलता है जो कि 855 प्लस का अपग्रेड वर्जन आप बोल सकते हैं। रैम 6GB 128GB इसका बेस वेरिएंट ही है। अब बात करते हैं इसमें कैमरे की तो इसमें आपको 48+8+2+2 का बैक कैमरा देखने को मिलता है, 16 MP सेल्फी देखने को मिलती है, 5 MAh की मैसिव बैटरी मिलेगी और आपको 33W का फास्ट चार्जर फिर से इन द बॉक्स मिलेगा। तो दोस्तों ये थे गेमिंग फोन अंडर 20,000 रुपीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करना दोस्तों कैसा लगा वीडियो। अगर आपको गेमिंग फोन की रिक्वायरमेंट थी तो आप खरीद सकते हैं क्योंकि एक नया गेम आ रहा है बैटल फ्रंट मोबाइल इंडिया। मैंने सोचा हो सकता है कुछ लोगों को फोन खरीदना हो गेमिंग फोन तो एक दूसरे वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों कमेंट करना आपको कौन सा फोन लेना है और क्यों लेना है या वेट करने वाले किसी और फोन के लिए। तो यही था आज की वीडियो को, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, वीडियो के लिए थैंक यू।